हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की। मैंने ये कहा था कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर तो नहीं है हमारे सिलेबस में इस साल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमें एंट्री ना आए। एंट्री भी तो हमें समझनी पड़ेगी, एंट्री समझना भी हमारे लिए कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसे डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था और ये कहा था कि किसी भी एसेट्स को हम यूज करते हैं, किसी भी एसेट्स को हम यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल दिया था कि कोई बाइक है 1,00,000 रुपए की है और हम उसे 2 साल यूज करने के बाद बेचना चाहते हैं, या 2 साल के बाद उसका पता लगाए कि वो कितने की है, कि वो कितने की है, तो क्या वो 1,00,000 की रहेगी? नहीं, वो 1,00,000 की नहीं रहेगी, क्योंकि 2 साल हमने उसका यूज किया है और यूज किया है तो उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे मैं कहूँ कि आपको लगा कि इसकी वैल्यू 70,000 की इक्वल है, जिसको आप सेल करना चाह रहे हो, करेंगे भाई 70,000 से ऊपर तो दे नहीं सकते, तो 1,00,000 की एसेट की वैल्यू आप 70 बता रहे, क्यों बता रहे? क्योंकि हमने यूज किया है और यूज करने से, किसी भी एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या होती है? डाउन हो जाती है। वैल्यू क्या होती है? डाउन हो जाती है। और इस वैल्यू का डाउन होना ही क्या है? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होती है? क्या इसकी एंट्री आपको मैंने कल एक्सप्लेन कर दी थी? क्या इसकी एंट्री मैंने कल आपको बता दी थी? क्या जल्द से बताइए क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, बट एक रूल आपको मैंने बताया था, मैं उसको वापस से लिखना चाहूंगा। एक तो होती है हमारे पास में एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज, एक हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की और एक हम बात करेंगे इनकम की। ठीक है, अब देखो मैंने ये भी कहा था कि ये अप हो सकती है और ये डाउन भी हो सकती है। अब इसके रूल्स के रिगार्डिंग में बात करते हैं। सबसे पहले बताइए एसेट्स अप होगी तो क्या करना होगा? एसेट्स अप होगी आई मीन बढ़ेगी तो क्या करना होगा बताइए? एब्सोल्युटली एसेट्स बढ़ेगी तो डीआर, चलो फिर लायबिलिटीज बढ़े तो लायबिलिटीज का फोटो क्या करोगे आप? एब्सोल्युटली तो फिर एक्सपेंस आपके बढ़ जाते हैं, अप हो जाते हैं तो क्या करना है? एब्सोल्युटली। और इनकम यदि आपकी अप हो जाती है, बढ़ जाती है तो क्या करना होगा? सीआर। तो ये रूल सबके समझ में आ गया है। देखिए एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम है, एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम है, लायबिलिटी और इनकम का रूल सेम है। तो पहले तो यहां तक का रूल समझ में आ गया सबके। ओके, अब ये सारी बातें, ये सारे रूल्स अप होने के थे, डाउन हो जाए, कम हो जाए तो क्या करना है? तो देखिए एसेट्स बढ़ने पे डीआर की है, पर जब एसेट डाउन हो जाए तो क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होता है? सीआर होता है। तो डीआर को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो अप होने में क्या होगी? डीआर होगी, डाउन होने में सीआर होगी। अब एसेट्स का रिवर्स क्या होता है? लायबिलिटीज। और एक्सपेंस का रिवर्स क्या होता है? इनकम। और जो इसके रूल है वो इसके रूल है, और जो इसके रूल है वो इसके रूल है। इसका मतलब एसेट्स का रिवर्स, एसेट्स अप होने पर डीआर होगी, लायबिलिटीज अप होने पर डीआर नहीं हो सकती, वो सीआर होगी। ठीक है,
बट लाइब्रेरी जब अब हमें भी सीआर हो गया तो लाइब्रेरी बढ़ने पे क्या हो जाएगी डीआर में एक्सपेंस बढ़ने पे डीआर होते हैं कम होने पे क्या हो जाएगी सीआर हो जाएगी और इनकम बढ़ने पे सीआर होती है तो कम होने पे क्या हो जाएगी डीआर ये रूल मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था समझा दिया था ये रूल मैंने आपको समझा दिया था बता दिया था आई थिंक कभी बताया तुमने आपको रूल ओके कोई बात नहीं इसको स्क्रीनशॉट लेना इसका ओके अब समझ में आ गया सबके तो कितने स्टूडेंट के ये रूल समझ में आ गया है ये रूल हमारी एंट्री में कंप्लीट हेल्प करेगा और ये रूल जो बना है ये एक तरह से समरी रूल है किनका जो बात कर रहे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है रियल अकाउंट में क्या है नॉमिनल अकाउंट में क्या है रूल ये उनकी समरी है एक्चुअली ये क्या है ये उनकी समरी है उन्हीं का एक कंक्लूजन है उन्हीं का एक कंक्लूजन है ठीक है अब मैं इसी के थ्रू ये बताना जरूरी था क्योंकि हमें एंट्री बनानी डेप्रिसिएशन की तो देखिए कल एक बात जो करने की सुन कि हमारे पास जो बाइक थी वो 1,00,000 की थी और बाद में ये बाइक कितने की होगी 70 की होगी तो सबसे पहले बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना हो गया है हाँ डेप्रिसिएशन कितना हो गया है 30,000 अब ये बताइए हाँ एक और बात बताऊंगा कि किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आई रिपीट किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो इन चार में से ही कोई एक होगा चार एक साथ होते हैं तीनों सकते दो सकते हैं इन चार के बाहर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होता है याद रखना जो भी हम ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं या तो एसेट्स का होगा या लाइबिलिटीज का होगा इनकम का होगा या फिर दो एक साथ हो सकते हैं एसेट लाइबिलिटीज के साथ हो सकते हैं इनकम एक्सपेंस होता है एसेट्स एक्सपेंस है कैसे भी होगा बट होगा इन्हीं में से इनके बाहर बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या ये बात आपके समझ में आ गई है ओके अब डेप्रिसिएशन इन चारों में से क्या है जस्ट अभी मैंने कहा था कि इन चारों में से क्या होगा डेप्रिसिएशन इन चारों में से क्या है क्या ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है एक्सपेंस है या इनकम है एब्सोल्यूटली और रूल क्या कहता है हम यहां से भी नियम लाए रूल क्या कहता है एक्सपेंस बढ़ रहे डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ता रहेगा लगता रहेगा वैल्यू डाउन होती रहेगी तो मान तो डेप्रिसिएशन बढ़ ही रहा एक्सपेंस हो ही रहा तो अब हमें उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो दोनों ही रूल से डेप्रिसिएशन डेबिट होगा हम नॉमिनल अकाउंट के थ्रू सोचें तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट नॉमिनल अकाउंट के थ्रू बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ठीक है और यहां भी बात करेंगे एक्सपेंस अपर वन तो भी क्या होता है डेबिट मैंने कहा ना उन्हीं का कंक्लूजन है उन रूल्स को यह ब्रेक नहीं कर सकता चलेगा उसी की बेस पे अब देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर और इसमें अमाउंट कितना आ गया 30,000 आ गया कितना आ गया 30,000 अब ये बताओ डेप्रिसिएशन से इनमें से बाइक पे मतलब बाइक क्या हमारे लिए एसेट्स है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट यूज होगा डेप्रिसिएशन की वजह से बाइक एसेट्स पर इनमें से कौन सा रूल यूज होगा अप होना या डाउन होना या लैपटॉप पे इफेक्ट होगा किस पे इफेक्ट होगा
बार में प्रेशर बताओ अब बोलना है क्या होना सीआर बिल्कुल सही हम लोग सीआर से प्रेशर बताओ कि एसएस क्या इफेक्ट पड़ेगा अब हो जाएगी या डाउन हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगाने से एसएस डाउन हो जाएगी या हो जाएगी डाउन हो जाएगी वेरी गुड और एसएस डाउन होने का सुनिए ऐसे डाउन होने करते क्या डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं आप समझ गए इसलिए तुमने क्या लिखना पड़ेगा आपको टोटल लिखना पड़ेगा बाय करता हूं आई थिंक सबके ये बात समझ में आ गई है आई थिंक ये बात सबके समझ में आ गई है Am I right? अब मैं कहूं रेक्टिफिकेशन इन एलर्जी एक फर्नीचर था फर्नीचर था 80,000 रुपए का और इस पे 10% डेप्रिसिएशन था क्या था 10% डेप्रिसिएशन था लेकिन हम डेप्रिसिएशन लगाना ही भूल गए लेकिन हम डेप्रिसिएशन लगाना ही भूल गए बताओ रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे किस तरह से हम रेक्टिफिकेशन करेंगे सुधार की एंट्री क्या होगी बताइए डेप्रिसिएशन हम लगाना भूल गए हैं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कोई नहीं बता सकता डेप्रिसिएशन हमारे पास था पहले का था और हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए समझो पर आप सोचो एंट्री को एक बार एंट्री को आप सोचो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है आई मीन खर्चा है तो खर्चा तो कभी सीआर हो नहीं सकता तो हमें आ ही नहीं सकता आ सकता है लगाना भूल गए मैंने कहा यदि कोई ट्रांजेक्शन हम भूल जाते हैं तो गलती तो कुछ हो ही नहीं है ना भूल गए थे कोई बात नहीं अब लिख देंगे अब लिखने के बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले नहीं की तो अब कर देंगे क्या एंट्री बनेगी हाँ अब सही है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर ये इसकी करेक्ट एंट्री होगी क्या सबके समझ में आ गया डेप्रिसिएशन का डीआर टू फर्नीचर इसकी करेक्ट एंट्री होगी क्या सबके समझ में आ गया चलो ठीक है अमाउंट कितना लिखोगे अमाउंट कितना लिखोगे ये भी बता दो इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा संजू कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है योगिता आप मिस्टेक कर रहे हो 8,000 आएगा 80,000 तो इसकी टोटल वैल्यू है और 80,000 का हम लोग 80,000 का हम लोग 10% कैलकुलेट करते हैं एक जीरो कम कर दो 8,000 आई बात समझ अब हम यहां पे कुछ और बात भी करते हैं क्वेश्चन सुनिए फर्नीचर का 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया 10% इज दिस क्लियर लेकिन मैं कहूं कि लगाना था 5% 10% लगा के डेप्रिसिएशन लेकिन लगाना कितना था हमें तो केवल 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था गलती से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो अब बताइए इसके लिए क्या एंट्री की जाएगी क्या एंट्री होगी बताइए फिर से डेप्रिसिएशन जो था 10% की रेट से चार्ज किया गया है लेकिन 10% रेट थी ही नहीं एक्चुअली जो रेट थी वो तो 5% थी एक्चुअली उसकी रेट तो कितनी थी 5% थी तो गलती से हमने ज्यादा कर दी ना 10% कर दी तो देखते हैं एक बार मैं समझाता हूं फिर आपको मैं करने दूंगा
सबसे पहले तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, 5% है या 10% है? सही रेट है। व्हाट इज द करेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन की सही रेट क्या है, 10% है या 5% है, ये बताइए एक बार। बिल्कुल सही, 10%। समझो कि 10% तो हमने चार्ज कर दिया है, लेकिन सही रेट कितनी थी? 5% सही रेट है। क्वेश्चन को फिर से सुनो, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर दिया? 10%। बाद में पता चला 10% रेट नहीं थी, रेट तो कितनी थी? 5% थी। 5% थी, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। तो सही रेट 5% है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, और 5% के हिसाब से अमाउंट आता है 4000। ये तो भी करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई? एंट्री तो रॉन्ग ही हुई, एंट्री तो फिर भी क्या की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू, एंट्री तो रॉन्ग हुई नहीं है, रॉन्ग तो अमाउंट हुआ था, रॉन्ग क्या हुआ है, अमाउंट। कि ये तो राइट है ना, रोम में क्या हुआ, अमाउंट 5% की बजाय 10% कर दिया, मतलब तो 4 की बजाय हमने कितना लिख दिया, 8000 लिख दिया। अब बताओ ये राइट एंट्री है, ये रोम एंट्री है, तो करेक्शन कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन किस तरह से करेंगे, रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या करेगी बताइए। या करेक्ट एंट्री जो मैंने आपको बोल के समझाई है, या फिर रॉन्ग एंट्री जो मैंने बोर्ड पे समझाई है, राइट और रॉन्ग के थ्रू हमें अब करेक्शन करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, तो कौन बताएगा कि करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्या बता सकते हो? अमूल का आंसर सही है, अमूल का आंसर सही है। तो देखिए क्या होता है, बसंत लो, डेप्रिसिएशन कितना है 4000, इतना लगना चाहिए था, कितना लगा दिया 8000, ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लग गया ना, रोम हो गया, रोम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रोम होना अमाउंट रोम हुआ, बट अमाउंट रोम हो गया एंट्री रोम हो, रिवर्स करना पड़ता है। रिपीट, अमाउंट रॉन्ग हो या एंट्री रॉन्ग हो, रिवर्स ही करना पड़ता है, कि जहां डेप्रिसिएशन 4000 लगाना था वहां हमने कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, 4000 ज्यादा लगा दिया, उसको हटाना पड़ेगा ना, उसके इफेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन 2 में आएगा। लेकिन 2 में केवल कितना आएगा, जितना ज्यादा लगाते वो 2 में आएगा, इससे क्या है, वो 4000 बचे। और फर्नीचर भी कितने से कम करना था, 4000 से फर्नीचर कम करना था, लेकिन फर्नीचर कितने से कम कर दिया, 8000 रुपए से कम कर दिया। तो फर्नीचर को भी जब गलती से हमने ज्यादा कम कर दिया, तो जितना कम कर दिया गलती से उतना वापस बढ़ाएंगे, तो फर्नीचर भी क्या होगा, क्या आपके पास समझ में आ गया सबके? ये एंट्री कितने स्टूडेंट समझ में आ गया बताइए। इसको वैसे भी समझे ना, टोटल रूल से, टोटल रूल से बात कर लेते हैं एक बार। टोटल रूल में क्या था कि डेबिट कम हो जाता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट ज्यादा हो जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कम होता है तो क्रेडिट ही करते हैं, पर क्रेडिट ज्यादा हो जाता है तो डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाया है, डेबिट है, ज्यादा किया कम किया, डेप्रिसिएशन है, यहां पर प्रूफिंग के एंट्री करो कि ना अमाउंट देखो 4000 था, अमाउंट ज्यादा किया कम किया, मतलब डेप्रिसिएशन लगा दिया तो अमाउंट ज्यादा कर दिया कम किया, ज्यादा तो दिया ज्यादा है ना, तो ज्यादा हो गया क्रेडिट, डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट है, डेबिट ज्यादा हो गया, तो डेबिट ज्यादा होता है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ये लोग हो गए
और जितने से ज्यादा उतने से करेंगे। ओके, फर्नीचर क्रेडिट है 4,000 से होना चाहिए था, सीआर किया है पर 4 से नहीं 8 से कर दिया, सीआर ज्यादा कर दिया, सीआर ज्यादा कर दिया। तो यहां क्या करोगे, जब सीआर ज्यादा हो जाता है तो क्या करोगे, डीआर। इसलिए फर्नीचर क्या हो गया, डीआर हो गया। क्या अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्या अब आपको अच्छे समझ में आ गया है, बताइए क्या आपके अब अच्छे से समझ में आ गया है। एक एग्जांपल और, चलो अभी बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसी से लेते हैं कि फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया लेकिन हमने मशीन को सीआर कर दिया, मतलब मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया 10% सही रेट है, 10% भी लगाया, नेम चेंज कर दिया मैंने, फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। तो एंट्री की ना, तो हम गलती से वहां उसको हमने मशीन पर डाल दिया, बताओ क्या एंट्री बनेगी। डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पर, फर्नीचर लिखना था लेकिन हमने वहां पर फर्नीचर ना लिखकर हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन, सॉरी मशीन, तो क्या एंट्री बनेगी। सर जो एंट्री बता रहे हैं बता क्या एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, क्या बाकी स्टूडेंट्स इसे एंट्री को लेकर श्योर है कि एंट्री करेक्ट है, जो करेक्शन किया सही है क्या, समझो कि एंट्री करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सही है या गलत है, फिर मैं बताऊंगा कि किसकी सही है किसकी गलत है। बताइए संजू की एंट्री बिल्कुल सही है, संजू ने जो एंट्री की वो बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगा था, फर्नीचर पर, तो फर्नीचर कम होना चाहिए था ना, बट फर्नीचर को तो कम किया ही नहीं हमने, गलती से किसको कम कर दिया, मशीन को कम कर दिया। तो मशीन कम कर दिया तो सही करने के लिए वापस बढ़ाएंगे तो एसेट है ना, एसेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेबिट तो होगी, कम किसको करना है, फर्नीचर को, ये भी एसेट्स है, तो एक एसेट्स को आपस कम करना होगा, एक एसेट्स को आपस में बढ़ाना होगा। जिस एसेट्स को हम कम करेंगे वो तो सीआर हो जाएगा और जिस एसेट्स को बढ़ाएंगे वो डीआर हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में मशीन का तो मतलब ही नहीं था, तो फिर मशीन कम क्यों हुई, क्योंकि ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन से एसेट्स तो कम होती है और हमने गलती से डेप्रिसिएशन किस पे लगा दिया, यानी लिखा देखो मशीन को सीआर कर दिया, तो इस ट्रांजैक्शन में मशीन को सीआर होनी नहीं चाहिए थी ना, सीआर को किसको करना चाहिए था, सीआर करना चाहिए था हमें फर्नीचर को, क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाया जा रहा है। अब जब सुधारेंगे तो मशीन को कम कर दिया था डेप्रिसिएशन लगाने से, फिर से बढ़ा दो, और फर्नीचर कम किया ही नहीं था तो कोई बात नहीं, अब कम कर दो, राइट टू राइट रॉन्ग टू रिवर्स। क्या आप सबके समझ में आ गई है, क्या ये बात सबके समझ में आ गई है, सिंपल थिंग है, सिंपल कंसेप्ट है, आपको राइट पता होना चाहिए रॉन्ग पता होना चाहिए, सबके समझ में आ गई।
मतलब टाइम थोड़ा सा क्विक डिसीजन लेना सीखो, जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे तो करेक्ट भी करो ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम लेना तो सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम लिमिट दी हुई होती है, उस टाइम के लिमिट के रिगार्डिंग हमें काम करना होता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो जाता है, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, गलती से 20% लगा, हाँ लेकिन गलती से 5% लगा दिया, 10% लगाना था लेकिन हमने बाय मिस्टेक 5% लगा दिया, अब बताओ क्या इंपैक्ट होगा। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कितना लगाना था, 10%, और बाय मिस्टेक हमने कितना लगा दिया, 5% लगा दिया, तो बताओ क्या एंट्री बनेगी। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था, चार का डीआर कर देंगे पर किसको डीआर कर देंगे, किसको डीआर कर देंगे, वेरिएबल सही है आपको बिल्कुल, तो फिर सीआर क्या होगा, तो फिर सीआर क्या होगा, सीआर क्या होगा, देखिए एंट्री की बात करें तो एंट्री में तो मिस्टेक हो ही नहीं रही है, एंट्री में तो मिस्टेक हो ही नहीं रही है, मिस्टेक कहां हो रही है, मैं बताता हूं, एंट्री में तो मिस्टेक हो ही नहीं रही है, डेप्रिसिएशन लगाना था लगा दिया, लेकिन हमने कब लगा दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना था 10% और हमने लगाया कितना है 5%, तो डेप्रिसिएशन हमने 5% लगाया है और लगाना था 10%, तो 5% डेप्रिसिएशन कम लगाया है, तो क्या करेंगे, डीआर होता डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो अमाउंट की बात आते यहां पे, तो डीआर कम हुआ ज्यादा हुआ, बताइए आगे डीआर कम हुआ ज्यादा हुआ, सीधे रूल कहते हैं डीआर कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ, वेरी गुड, और डीआर जब कम होता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, डीआर कम हुआ, नहीं डीआर कम है, करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री में डीआर कम है, जब करेक्शन करना है तो जब डीआर कम होता है तो करेक्शन के लिए क्या करते हैं, बताइए डीआर ही करते हैं, वेरी गुड, डीआर कम होता है तो डीआर ही करते हैं, सीआर कम होता है तो सीआर करते हैं, बट डीआर ज्यादा होता है तब रिवर्स करते हैं, इसलिए यहां डेप्रिसिएशन चार का से डीआर हुआ था, ये 5% लगा दिया ना, 80,000 में 5% 4,000 होता है, होना कितना था 8,000, तो डेप्रिसिएशन 4,000 से कम डीआर हुआ है, तो कम डीआर हुआ तो वापस से डीआर करेंगे इसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंट्री बनेगी और अमाउंट आएगा 4,000, क्या बात समझ में आई आपके सबके, हाँ वेरी गुड, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल की क्लास में समझते हैं, ओके थैंक यू सो मच, और जल्दी इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ज्यादा नहीं बचे सकते, कुछ भी थोड़ी सी प्रैक्टिस बची है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच।